प्यारे बन भाई, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है कि ऐसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक है। तो जी, आज के ब्लॉग शुरू करते वीडियो के साथ साथ रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बस यही हाल इसका हुआ हुआ है, पता नहीं क्या है इसको, ना सोती है ना कोई बात सुनती है। मुझे मुझे बस यही कुछ ये डॉगी को देख कैसे कर रही है। मुकद्दस को डॉगी है, इसके पास जाना है, ये काट लेगा। डरती नहीं है डॉगी से, कहती कि नहीं जाओ। रात इसने मुझे बोला, बोलती है कि चलो बाबा इसको ना ये डालते हैं। क्या डालते हैं? ये नहीं होती रोटी। अच्छा अच्छा, तो हम गए ना, फिर उसको रोटी डाली, फिर खुश हो रही थी, कहती है हाँ सही है। आप मुकद्दस को डॉगी है ये क्या होता है, ऐसे कर रही हो तो जी ब्लॉग के साथ साथ रहना है और आज के ब्लॉग इंशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो अभी फियाज भाई इधर आए हुए हैं, फियाज माशाल्लाह से हमारे बहुत अच्छे हो गए हैं। मेहनत थोड़ी हुई है, लेकिन यह क्या मौसम भी चेंज हो गया है, गर्मी थोड़ी कम हो गई है। आज तो वैसे भी माशाल्लाह हवा बहुत अच्छी चली हुई है। ये देखो, चलो पहले इसको सुलाते हैं, बाकी काम फिर होंगे। हम अपने रूम में आ गए हैं और ये देखे रूम की दोबारा सेटिंग की है, उधर से बेड उठा के इधर रखा है। इस कमरे की इस तरह सेटिंग की है, उस कमरे से इससे भी प्यारी होके वो भी आपको चल के दिखाते हैं। तो आज हमारा पंखा हो गया खराब, मुकद्दस देख के ऐसे रोती है, कहती है पंखा हमारा आज नहीं चल रहा है। तो इसको दिखाते हैं, किसी को बुलाते हैं, क्योंकि दिन में अब पंखा ना चले तो फिर कैसे सोए बना, इसलिए पंखे को दिखाते हैं। अभी चाय बना रहे हैं, दूध वाला आ गया है और दीवाल मुकद्दस का दूध बॉइल करके मैंने लाते से निकाल दिया। और आज मुकद्दस इतने जोर से गिर गया ना, तो बस अल्लाह ने बचा लिया। उसके इधर नाक पे और मुंह पे सारा जख्म हो गया और उसकी जो वाकत थी ना, वाकत से गिरी, उसको हमने तोड़ फोड़ के फेंक दिए, क्योंकि उसके जो टायर थे ना वो थोड़े खराब हो गए थे, इस वजह से वो गिर गई। अब भी उसको बड़ी मुश्किल से सुनाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा तो हो गया, बाजू वगैरह नहीं टूटा। हाँ, बाजू ठीक है ना, उसका चेहरा नीचे की तरफ था, वो खुद ऊपर की तरफ और वाकर उसके ऊपर बड़े जोर से गिरी है, बड़े जोर से गिरी है। तो अभी उसको वाकर में खड़ा किया था, तो हमने सोचा कि चलो साथ में अभी खेल रही है, सो नहीं रही, तो ऐसे नीचे जो है ना टायर के, क्योंकि ये ईंटे है ना, ईंटे हवेली की। हाँ। तो ईंटे बिल्कुल प्लेन नहीं है, ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे है, तो वाकर वो सही चलती नहीं है, जिसकी वजह से जोर का उसको जो है ना वो लगा है, जोर से गिरी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब उसकी नई बात कर लेंगे जो अच्छे वाली होगी। वो तोड़ दी है हमने, बस अभी तोड़ी है उसको, बाहर फेंक आए हैं। इतना गुस्सा है मुझे, हालांकि मैं उसका इतना ख्याल रखती हूँ, फिर भी वो कहते ना कि अल्लाह बस जो चाहे वही होता है, तो जितना भी ख्याल रख लू फिर भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं से गिर भी बस गिर जाते हैं बच्चे हैं। अब वो कोई मसला नहीं है, शायद वो भी बाहर है। चाय हो चुकी है तैयार और आग देख जबरदस्त जल चुकी है, अभी रोटियां बनाएंगे तवे पे, कड़क चाय आप ले लेंगे। चेक कर लें, चाय पी नहीं है सुबह से। क्या मैंने कहा? चाय पी नहीं है ना आज। हाँ, आज दिल ज्यादा, जब टाइम गुजर जाए ना थोड़ी देर चाय को, दो घंटे डेढ़ घंटा गुजर जाए ना, हमें लगता है बहुत टाइम हो गया। हाँ, रात तो वैसे हमने पिछली जो रात गुजरी है, इस रात पे तो हमने तीन चार दफा चाय बना के पी है। अब मौसम कुछ बेहतर हो गया है ना, तो रात को भी थोड़ा लेट सोते हैं, इस वजह से अभी। और वैसे भी मुकद्दस की जब जाग आती है वो खेलती रहती है। हाँ, वो रात को नहीं सोने देती भाई, अब सर्दियाँ आ रही है, अल्लाह खैर करे सोने दे। नाश्ता बना रहे हैं सुबह का अब सुबह के टाइम रोटी बनाते हैं तवे पे और शाम के टाइम बनाते हैं तंदूरी पे। बस ये कुछ 8-10 दिन में फिर लकड़ी की कोई टेंशन नहीं होगी, लकड़ी बहुत ज्यादा हो जाएगी, अभी लकड़ी थोड़ी कम हो गई है, इस वजह से थोड़ा मसला बन जाता है।
तवे का ये फायदा होता है थोड़ी सी लकड़ी लगा के रख लो बस रोटे बनाते हैं। अभी जी हम आए हुए हैं बाहर, शाम का टाइम हो गया है और पानी आ जा रहा है। मैंने आज सारे कपड़े धो लिए हैं क्योंकि मैंने मशीन में धोए हैं। वाकर मुकद्दस की खराब हो गई थी जिसकी वजह से मुकद्दस को बस उठा के बैठना पड़ता है। अभी मुकद्दस फूफो के पास है तो हम उधर ही जा रहे हैं, तो चलते हैं। अभी आज देखिए पानी बिल्कुल साफ है क्योंकि अब एक दो बार जाएंगे हैं पानी, उसके बाद खत्म हो जाएगा। देखिए जी कच्ची हवेली है ना, इसमें पानी का छिड़काव किया। अब मौसम ठंडी ठंडी जगह ऐसी लग रही है, बहुत अच्छी। मुकद्दस को लेके आते हैं, क्या दिख रही है? गुस्सा किस बात का है? मुकद्दस को कहते नहीं आना, क्यों क्या हुआ? इधर लड़ाई होगी है क्या? घर पैसों के बगैर नहीं चलता मुकद्दस, घर पैसों के बगैर नहीं चलता। रोजे को लगा रहे सिस्टर नमाज पढ़ रही है, अभी क्या कहती हो? क्या कहती हो? क्या कहती हो? खेल तो रही थी आप अक्सा के साथ। अच्छा मेरी जिन्निया, मेरी पठानियां, मेरी सियाणियां। ये क्या है मुकद्दस? ये नया नया कोई स्टाइल है, क्या करे मुकद्दस क्या करे? फूफो डंडा लेके आ रही है, लकड़ी मोक गए ना, ये दे मेरे को करना पड़े, दे हूं मैं कटे नहीं दी। लकड़ी खत्म हो गई है ना, फिर इसी वजह से अभी एक महीना देर है लकड़ी को, अब बस फिर अब बनने जाता क्या पता, अभी क्या पता क्या बनेगा, अल्लाह खैर करेगा। आ जाएंगे लकड़ी भी, आ तो जाएंगे, कब आएंगे? तो जी वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।